राजूरा से एक बहुत ही अनहोनी चौंकाने वाली खबर सीटीवी के हाथ लगी है, जहां पर एक बकरा दूध देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, तो देखिए इस खबर को। दुनिया में कुछ ऐसे किस्से, कहानियां या अजूबे सुनाई देते हैं जिस पर किसी का विश्वास नहीं रहता, मगर हमारे विश्वास या ना विश्वास करने से या ना मानने से जो सच है वो सच ही रहता है, जिसको अंत में लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। कुछ ऐसी चौंकाने वाली एवं हैरत अंगेज करने वाली अनहोनी खबर राजूरा से हमारे विशेष संवाददाता कृष्ण कुमार ने दी है, जहां पर एक बकरा दूध दे रहा है। मेल आणि फीमेल मध्ये रुड्रिमेंटरी असू शकतात, मेल मध्ये रुड्रिमेंटरी टीट असू शकतात, त्यामधून दूध कधी कधी निघतो, म्हणजे बकऱ्यामध्ये होऊ शकतो किंवा काय दुसऱ्या जनावरामध्ये पण असे रुड्रिमेंटरी राहतात, तर मे बी त्यामध्ये पॉसिबल राहू शकतात। पॉसिबल आहे की बकरा बी दूध दे सकता। रुड्रिमेंटरी असतात, रुड्रिमेंटरी असतात, परमानंट नसतात ते। त्यामुळे यामध्ये आमच्या दवाखान्यात अजूनपर्यंत ते आलेले नाही, ओपीडीला अजूनपर्यंत त्यांनी काही आम्हाला नोंदणी झाली नाही, फक्त लोकांकडून आम्हाला कळलेले याबद्दल। परमानंट राहत नाही त्यामध्ये, काही काही जे ऑर्गन्स असतात मेलमध्ये पण डेव्हलप होतात ते फिमेल ऑर्गन्स, जसे टीट आहेत त्यामधून ते होऊ शकतात, म्हणजे पॉसिबल आहे। सुनकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे, जिस प्रकार सीटीयू न्यूज भी आश्चर्यचकित हो गई थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। सीटीवी की नजर हर कदम खबर की ओर में। सिटी न्यूज के लिए कृष्ण कुमार के साथ में तंत्र निदेशक शैलेश गणवीर की रिपोर्ट। बीच में दवाखाना लेके गया था, डॉक्टर साहब ने बोले कि बकरा दूध देंगे आपको, दे हाथ लगा के देख रहे दूध निकलना शुरू हो गया, डेढ़ महीने से ऐसे ही हो रहा है वो, और अपने से भी गिरता कभी निकाले, फूल हो गया कि अपने टपकता। रोज का कितना दूध देता है बकरा? एक कप निकालता, रोज का एक डेढ़ कप निकलता। राजूरा शहर में पहली बार ऐसी घटना घटी है जो चौंका देने वाली है। आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। राजूरा में अब्दुल मुजम्मल शेख, इनके घर में एक बकरा है जो कि 4 साल का है। बकरा दूध देने लगा है, ये बात आप किसी को बताए तो कोई यकीन नहीं करेगा। राजूरा से कृष्ण कुमार, सीटीवी न्यूज़।